मेरे घर में कुछ कंट्रोवर्सी थी जो घर मेरा था, वहाँ मेरी माता जी दीदी मुझे अक्सर फोन आते थे कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ऐसा हो रहा है भाई बंधुओं में, भाभियों में इशू हो रहे हैं। मैं परेशान रहता था, मैंने कहा यार मेरा मोटिव है कि पहले अपना घर लेके मम्मी को यहाँ बुला लो यार, फिर यार तेल लगाने का तो क्या हो रहा है उधर। सही बात है, मोटिव बड़ा किया था कि मुझे घर लेना है, इसलिए टीवी बहुत ज्यादा किया और टीवी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो पॉइंट ये है, मेरी स्टैमरिंग काफी हद तक चली गई क्योंकि इतने अच्छे डायरेक्टर्स, इतने अच्छे को एक्टर्स मिले जिन्होंने पेशेंस के साथ मेरे साथ काम लिया, मुझसे मुझे मौका दिया सीखने का या मुझे मौका दिया उस प्रॉब्लम को हटाने का। कई बार इंपेशेंट डायरेक्टर्स होते हैं यार, करो ना यार फटाफट क्या कर रहे हो, और गाली गलौज बहुत होती है टीवी में। हां टीवी में बहुत गाली गलौज होती है, बहुत होती है आपकी, मेरी भी बहुत हुई बेइज्जती। अरे लाइट लेना सीख ले, अरे काम कर बुर्का पहन के आ जा, शक्ल दिखानी नहीं है, तो ये सब भयानक बुलिंग टाइप की होती है। अरे कीला कीला गाड़ दो, पैर में बहुत हिल रहा है, ये सब बहुत सारे टर्म्स हैं। और तो, बाकी बहन की गाली चलती है भाई। अरे बहुत बहुत बहुत, तो उसमें क्या है ना कि क्योंकि वो तो अपने को लगती नहीं बुरी भी, बट ठीक है, लेकिन फिर भी बेइज्जती फील होती थी ना। तो मैंने कहा इसको अभी है ना अपने को जवाब देना पड़ेगा बस, और जवाब कैसे देंगे आप प्रूव करके कि नहीं भाई मैं वर्थ हूँ। तो मैं वहां जो कीड़ा लगा ना सीखने का मेरे को, तो वो कीड़ा बहुत लंबे समय चला। मैंने एक शो किया, तीन साल पहले शो था मेरा, करेक्ट, 3.5 साल को शो किया, लेकिन फिर एक चीज लगी मेरे को कि यार इसमें ग्रोथ ही नहीं। अब मैं वही कर रहा हूँ जो मैं रोज कर रहा हूँ, इट्स लाइक अ जॉब, करेक्ट, कि आप नौकरी कर रहे हो अभी, पैसे आ रहे हैं, फेम है, आप वन ऑफ द टॉप एक्टर्स हो, सब ठीक है। अच्छा हिट सीरियल था, अरे पूरे इंडिया में नंबर वन शो था यार वो, मतलब क्योंकि को बीट किया था, करेक्ट है ना, इतनी रेटिंग थी हमारे शो की। तो वहां से एक वो शुरू हुआ, और स्टैमरिंग का ऐसा है, देखो यार मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों ने सजेशन दिए ये कर लो वो क्या कर लो, होते थे उपाय। देखो सबसे इजी लोगों का एक स्टेटमेंट होता है जिसके मैं लोगों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यार इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए हकलाता है, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आया। देखो हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी कुछ लोगों में हो, साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, मेरे साथ कॉन्फिडेंस का तो जो नहीं है लाइफ में, अपन मतलब किले पे से ऐसे ही है, किले पे कूद जाएंगे, मतलब ऐसे वाला है। तो मेरे को लगा मेरे अंदर ये तो नहीं है यार, कॉन्फिडेंस का तो इशू नहीं है, तो फिर क्या इशू है। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो बहुत स्टडी करना पड़ता है उसमें, ऐसा नहीं है कि आपको ओवरनाइट चिक करके जादू आएगा और ठीक कर देगा। मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम था, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न रॉन्ग था बचपन से। तो मैं लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ बीबी की, यार आपको मैं बोलूँ की भाई आप 100 मीटर का स्प्रिंट मार के आओ और मैं आपको 4 लाइन बोलने को दूंगा, बोल के दिखा दो मुझे, सीधे नहीं बोल सकते वो करेगा ऐसा। तो वो बिकॉज आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया है, आपका हार्ट रेट अप हो गया है। तो मेरा इस मुद्दा था कि मैं अगर ब्रीदिंग कंट्रोल कर लूं तो मेरा स्टैमिनिंग जा सकता है, जिसके जिसको मैंने बहुत थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं बट मैं वर्क करता रहता हूं, आज भी करता हूं वर्क, क्योंकि स्टैमिनिंग देखो वो आप इरेगुलर हार्ट बीट है ना, जो इरेगुलर ब्रीदिंग है वो तो आपका एक सबकॉन्शियस में बैठा हुआ ना, तो क्या मेडिटेशन वगैरह करके आप? नहीं नहीं नॉर्मली ब्रीदिंग है, कूल रहो लाइफ में। हाँ जैसे ही आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपका थोड़ा एंग्जायटी बढ़ी, तो स्टैमिना चल हो जाएगी, तो आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इट मेक्स सो मच मोर सेंस नाउ। हाँ तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग स्टैमर करते हैं आप प्लीज ट्राई करके देखिए, ब्रीदिंग कंट्रोल करेंगे ना, और हर एक अक्षर का एक ब्रीदिंग पैटर्न है। आप जब भी कोई अक्षर बोलते हैं तो आप इनहेल करते हैं, फुली इनहेल करते हैं, हाफ इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे ना। और बेस्ट एग्जांपल यार मिस्टर अमिताभ बच्चन को देख लो एक बार, उनका इतना करेक्ट पॉजेस, उनके इतने करेक्ट, यार आप दिलीप कुमार साहब को देख लो, उनका इतना करेक्ट स्पीच पैटर्न है ना कि आप उनसे सीख जाओगे बहुत कुछ करने को। तो स्टैमरिंग इज की समस्या सॉल्व हो सकती है अगर आप ध्यान दे तो।